वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो है एपिलेप्सी, जिसे हम मिर्गी कहते हैं। लेक्चर को सुनने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। तो अब हम अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। एपिलेप्सी या मिर्गी जो है एक सीज़र डिसऑर्डर है, जिसमें जो है अनप्रिडिक्टेबल और रिकरिंग सीज़र्स होते हैं। मींस इसमें जो है हमें एक तरह से सीज़र्स पड़ते हैं, लेकिन वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, किसी भी वक्त आ सकते हैं और बार बार भी आ सकते हैं। एपिलेप्सी में जो है हमारे पास दो तरह की डेफिनेशंस आती हैं, कि इसमें जो है न्यूरॉन्स की या तो टू मच एक्साइटेशन हो जाती है या टू लिटल इनहिबिशन हो जाती है। इन दोनों केसेस में क्या होता है कि न्यूरॉन्स की जो है वो एबनॉर्मल फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। एबनॉर्मल फायरिंग की वजह से जो है बॉडी में जो है सीजर्स अकर होते हैं, और बॉडी जो है वो एबनॉर्मल मूवमेंट्स जो है वो शो करती है। जो न्यूरोट्रांसमीटर मिर्गी में इन्वॉल्व हैं, जिनकी वजह से जो है एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं, वो है हमारे पास ग्लूटामेट एंड कापा। ग्लूटामेट हमारे पास जो है एक स्टिम्युलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जबकि गाबा जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। हमारे पास एपिलेप्सी में जो है एबनॉर्मल फायरिंग या इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सिस हैं, वो उनकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होने की वजह जो है वो यही दो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। एपिलेप्सी में जो ग्लूटामेट है उसकी एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जबकि जो गाबा है जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी एक्टिविटी और भी कम हो जाती है। जैसे ही हमारे पास स्टिम्युलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो हमारे पास जो कैल्शियम आयंस हैं उनका इन्फ्लक्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूरोनल फायरिंग भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सेकेंडली, जब भी हमारे पास जो है गाबा की एक्टिविटी कम होगी, ठीक है, तो हमारे पास क्लोरीन आयंस जो हैं उनका इन्फ्लक्स जो है वो कम हो जाता है। मींस न्यूरॉन्स की जो इनहिबिशन हो रही थी पहले, वो कम हो रही है, तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो ज़्यादा रहेगा। इन दोनों चीज़ों की वजह से या हमारे पास ग्लूटामेट की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए या हमारे पास गाबा की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाए, इन दोनों केसेस में जो है हमारे पास बॉडी जो है वो एबनॉर्मल मूवमेंट्स शो करती है, जिसे हम एपिलेप्सी कहते हैं, या हम कहते हैं कि जो है एक बंदे को जो है वो सीजर्स पड़ रहे हैं। फिर हमारे पास आता है कॉजेज ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का कोई एग्जैक्ट कॉज जो है वो नोन नहीं है, लेकिन जो आइडेंटिफाइड कॉजेज हैं उनमें जो है हमारे पास आता है जेनेटिक्स, एबनॉर्मल सर्कैडियन रिदम मींस जो स्लीपिंग ड्यूरेशन है वो नॉर्मल ना होना, ब्रेन डैमेजेस, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी वजह से अगर ब्रेन का कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो गया हो, देन ब्रेन इन्फेक्शंस, यूज़ ऑफ अल्कोहल एंड सम मेडिकेशंस ऐसी हैं जिनकी वजह से जो है एपिलेप्सी अकर हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी जो हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन जो दो मेन हैं वो है हमारे पास जर्किंग एंड एबनॉर्मल मूवमेंट्स। ये हर टाइप ऑफ एपिलेप्सी में जो है वो कॉमन है, लेकिन जो है बाकी साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो टाइप ऑफ एपिलेप्सी के साथ डिफरेंट हो सकते हैं। तो जो बाकी हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स हैं एपिलेप्सी के, उनमें हमारे पास आता है कन्फ्यूजन, ओरा लाइक फीलिंग, सडन फॉल्स, स्टीरिंग, अनकंट्रोलेबल जर्किंग मूवमेंट्स, स्ट्रेंज सेंसेशंस एंड इमोशंस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस। ये हो गया हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी। अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी या सीजर्स। एपिलेप्सी को जो है हम जो ब्रेन एरिया अफेक्टेड हुआ हुआ है उसके बेसिस पे जो है दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक है हमारे पास पार्शियल सीजर्स, एक है हमारे पास जनरलाइज्ड सीजर्स। पार्शियल सीजर्स हमारे पास क्या है कि ब्रेन का कोई एक लोब या कोई एक हेमिस्फीयर जो है वो अफेक्टेड होगा,
अगर हमारे पास ब्रेन का सिर्फ एक हेमिस्फीयर या लोब अफेक्टेड है उसे हम कहते हैं पार्शियल सीजर्स। एंड सेकंड हमारे पास है जनरलाइज सीजर्स, जिसमें जो है हमारे पास दोनों हेमिस्फीयर जो हैं ब्रेन के वो अफेक्टेड हो सकते हैं। पार्शियल सीजर्स और जो है हमारे पास जनरलाइज सीजर्स हैं उनके फर्दर जो है टाइप्स हैं। पार्शियल सीजर्स को हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया, सिंपल पार्शियल सीजर्स एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। सिंपल पार्शियल सीजर्स में क्या होता है कि कॉन्शियसनेस जो है वो रहती है और ब्रेन का कोई स्मॉल एरिया इसमें अफेक्टेड रहता है और जो पेशेंट है उसे फील होता है कि उसके साथ कुछ हो रहा है और मोस्टली जो है उन्हें अपना फिट याद रहता है। जबकि कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में जो है वो अनकॉन्शियसनेस हो जाती है या बंदा अवेयर नहीं रहता। इसमें जो है कोई लार्ज एरिया ब्रेन का अफेक्टेड हो सकता है, जैसे कि पूरा एक लोब कोई भी, और जो पेशेंट है उसे नहीं पता चलता कि उसके साथ कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसमें जो है चांसेस हैं या तो उसे याद रह भी सकता है फिट और नहीं भी होगा याद फिट। हमारे पास सिंपल पार्शियल सीजर्स को हम फोकल सीजर्स भी कहते हैं और इसमें जो वर्ड एक यूज़ होता है वो है जैक्सोनियन मार्च। इसमें क्या है कि जर्किंग जो है बॉडी के किसी एक पार्ट में स्टार्ट होती है और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जो है स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। फिर हमारे पास आता है जनरलाइज सीजर्स की टाइप। जनरलाइज सीजर्स जो हैं वो मोस्टली जितने भी एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं उनमें जनरलाइज सीजर्स होते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास टॉनिक सीजर्स। इसमें जो है टॉनिक जनरलाइज सीजर्स में बॉडी जो है वो बिल्कुल अकड़ जाती है और जो हमारे पास पेशेंट है वो बैक की तरफ फॉल हो जाता है, मीन्स पीछे की तरफ गिर जाएगा। फिर जो सेकेंड टाइप है जनरलाइज सीजर्स की वो है एटॉनिक। एटॉनिक में क्या है, सेम वही है कि जो बॉडी है वो अकड़ जाती है या और जो है पेशेंट जो है वो आगे की तरफ गिर जाता है। क्रॉनिक जनरलाइज सीजर्स में जो है बॉडी में जो है एबनॉर्मल जर्किंग मूवमेंट्स शो होती हैं और जो है पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। जनरलाइज में जो है पेशेंट्स अमूमन अनकॉन्शियस ही रहते हैं, जितनी भी जनरलाइज सीजर्स की टाइप्स हैं। टॉनिक क्रॉनिक सीजर्स ये सबसे ज़्यादा जो है अकर होते हैं पेशेंट्स में और ये बहुत ज़्यादा जो है इसके पेशेंट्स हैं और ज़्यादातर जितने भी एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं उनमें जो है टॉनिक क्रॉनिक सीजर्स देखने में मिलते हैं। इसमें क्या है कि इसमें जो है सबसे पहले बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाएगी और जो पेशेंट है वो पीछे की तरफ गिर जाता है एंड देन उसकी बॉडी में जो है वो जर्किंग स्टार्ट हो जाती है, मीन्स एक फेज इसमें टॉनिक का है देन क्रॉनिक फेज स्टार्ट हो जाता है। देन जनरलाइज्ड मायोक्रॉनिक सीजर्स आते हैं, जिसमें जो है आपके जो है अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब का कोई भी मसल जो है वो अचानक से स्टिफ हो जाता है और उसमें जर्किंग भी अकर हो सकती है और नहीं भी हो सकती। देन जो लास्ट टाइप है हमारे पास जनरलाइज सीजर्स की वो है एब्सेंट सीजर्स, जिसमें जो है फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल एब्सेंट हो जाते हैं, मीन्स जो पेशेंट है वो एक तरफ देखना स्टार्ट कर देता है, उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं वो टोटली ख़त्म हो जाते हैं, इन शॉर्ट जो फेस है वो एक्सप्रेशन लेस हो जाएगा। पास हो गई टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी क्या हमारा आज का लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है जो टर्म्स एपिलेप्सी से रिलेटेड हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट एड जो दी जाती है एपिलेप्टिक पेशेंट को देनी चाहिए उसके बारे में आपको बताएंगे। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप जो है नेक्स्ट लेक्चर सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।